नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना किया हुआ वादा आखिरकार आज निभा दिया है। जी हां, भैया दूज के मौके पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी बस और क्लस्टर बस में सफ़र करना फ्री कर दिया है। अब आप भी डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री में सफ़र कर सकती हैं, बशर्त है कि आपके पास पिंक रंग का पास होना ज़रूरी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो का सपना दिखाने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भैया दूज के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने भैया दूज के मौके पर महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करना फ्री कर दिया है। बशर्त है कि फ्री में सफर करने के लिए महिलाओं के पास पिंक रंग का सिंगल जर्नी वाला पास जरूर होना चाहिए। फ्री सफर के लिए महिलाओं को पिंक रंग का सिंगल जर्नी पास मिल रहा है। वहीं दिए जा रहे पिंक पास पर उस दिन की तारीख लिखी जा रही है जिस पर वो इशू किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर एरिया में सभी महिलाओं के लिए सफर फ्री ही है और ये स्कीम फिलहाल मार्च 2020 तक लागू रहेगी। तो महिलाओं के लिए बस में फ्री में सफर करने के साथ साथ केजरीवाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ मंचलों को सबक सिखाने के लिए बसों में मार्शलों की तैनाती भी कर दी है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की सभी बसों में 3400 के बजाय 13000 मार्शल तैनात रहेंगे। दिल्ली दुनिया का अकेला ऐसा शहर होगा जहां एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में बस मार्शल तैनात होंगे। वहीं त्यागराज स्टेडियम में बस मार्शलों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीएम केजरीवाल ने कहा, डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की 5500 से ज्यादा बसों में महिलाओं का सफर सुरक्षित हो, इस मकसद से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में चलने वाली बसों में मार्शलों की तैनाती की जाएगी। तो आज भैया दूज है और ऐसे मौके पर केजरीवाल सरकार की तरफ से महिलाओं को जो इतना बड़ा तोहफा मिला है कि अब आज के दिन से आप डीटीसी और जितने भी क्लस्टर बसें हैं उसमें आप फ्री में सफ़र कर पाएंगी, इस पर आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।